देखिए गाइस, पहली बार सोसाइटी में आई है नाव जहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। ये देखिए गाइस, जहाँ पर जो है छतें दिख रही गाड़ी की, थोड़ी थोड़ी सी वो भी, और यहाँ पर लोग देखिए इतना पूरा डूबे हैं यहाँ पे, पूरा डूब गया इधर। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। सो गाइज, कल से बारिश से हालत बहुत खराब है, दिखा तो मैं आप लोगों को बाहर पूरा पानी भर रखा है। सो गाइज, कल सुबह से जो है बारिश हो रखी थी और आज सुबह तक ये पूरी बारिश है, पता नहीं कब तक रहेगी। और ये देखिए सुबह सुबह का मौसम है, और सुबह सुबह उठ के बाहर देखा तो पूरा पानी भरा हुआ था और पूरे गाड़ियों के जो है व्हील्स तक पानी आ रखा है। ये देखिए इसी तोड़ना और ठीक पाया, देखो उधर भी भर रहा है बहुत सारा, उधर तो कम है, यहाँ ज़्यादा है पानी। व्हील्स तक हो गया पानी, जंगल में भी पानी। हाँ सो गाइज, यहाँ जो है कल सुबह से बारिश हो रखी थी तो अभी तक बारिश है, तो बारिश से जो है बहुत बुरा हाल हो रखा है। तो नीचे जाके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा कि नीचे कितना बारिश है। पानी में तो नहीं जाऊँगी क्योंकि करंट लगने का डर है, तो मैं तो पानी में नहीं उतरूँगी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ रखा है। तो पिटिया देवा घर पर वेट करेंगे और मैं जो है देख के आऊँगी। ये देखिए गाइज, यहाँ पर बैक साइड की गैलरी में इस तरह से पूरा पानी भर रखा है, और पूरा उधर देखिए वहाँ लिफ्ट में भी, वहाँ लिफ्ट तक पानी आ रखा है ऊपर, ये देख सकते हैं आप लोग। सो गाइज, अभी जो है मैं पहुँच चुकी हूँ नीचे, पानी में तो मैं नहीं उतरूँगी बट मैं यहीं से दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए कितना सारा पानी आ रखा है, पूरा अंदर पार्किंग में ये पानी है, फिर नीचे तो पूरा भर गया है, नीचे तो बिल्कुल डाउन है, वहाँ पूरा भर के फिर ऊपर आ रखा है। ये देखिए पूरा यहाँ भी पूरा ऊपर तक आ रखा है, और नीचे तो यहाँ देखिए लिफ्ट पे भी इतना पानी आ रखा है, यहाँ इतना ऊंचा है और इतने ऊंचे में जो यहाँ तक पानी आ रखा है, और फिर नीचे तो फिर ज्यादा ही पानी है जो नीचे गाड़ियाँ हैं। अरे बाप रे, ये देखो। ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमारे सोसाइटी में इतना सारा पानी आ रखा है। पूरा डूब गया इधर, उतरो उतरो पानी में, दूध लेना तो जाना ही पड़ेगा। सो गाइज, अब दिखाते हैं आप लोगों को थोड़ा सा डेरावासी की सोसाइटी, जहाँ जो है पूरा पानी भर चुका है अंदर तक। और ये देखिए थोड़ी थोड़े से जो दिख रहे हैं वो कारों की छतें हैं जो आधी दिख रहे हैं, और यहाँ जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो है यहाँ पे नावें जो है मंगाई हैं। ये देखिए नावों से जो है लोगों की हेल्प की जा रही है, ये देख सकते हैं आप लोग कितना सारा पानी है, गाड़ियाँ पूरी वो डूब गई। ये देखिए गाड़ी की छत पूरी भी नहीं दिख रही है, थोड़ी सी दिख रही है यहाँ पर, कौन बोलेगा यहाँ पर एक गाड़ी है, ये देखिए दूसरी गाड़ी वहाँ पर है। ये देखिए लोग कैसे तैर रहे हैं, पूरा पानी में पूरे गले तक पानी आ रखा है लोगों का, पूरी कमर से भी ऊपर। ये देखिए गाइस, पहली बार सोसाइटी में जो है नाव चलाई जा रही है, ये देख सकते हैं आप लोग, और अब जो है दूसरों की हेल्प की जाएगी जो लोग अंदर हैं। और ये देखिए, और यहाँ पर गाड़ी की देखिए पूरा छत दिख रही, थोड़ी सी और कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो कार है देख के भाई, कभी सोचा भी नहीं था कि सोसाइटी में भी नाव चलेगी, तो इतनी भयंकर बारिश हुई है। पता नहीं ये बारिश कब रुकती है, या पता नहीं शाम तक रुक भी सकती है या तो फिर नहीं रुक सकती। अगर शाम तक नहीं रुकेगी तो फिर और ज्यादा जो है पानी भर जाएगा, ज्यादा मुसीबतें हो सकती हैं। ये देखिए गाड़ी के बिल्कुल छत ही छत दिख रहे हैं। ये देखिए गाइज, रोड की हाल ऐसे लग रहा है कि नदी में गाड़ी चलाई जा रही है, रोड पे नहीं। ये देखिए पूरा पानी भर रखा है।
ये देखिए गाइस, यहाँ जो है पार्क में भी पूरा पानी भर चुका है। ऐसा लग रहा है कि वो पार्क नहीं, कोई जो है लेक है यहाँ पे। ये देखिए गाइस, अभी शाम का समय हो चुका है, तो ये देखिए कोई अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं क्योंकि पूरा पानी भर चुका है। देखिए वहाँ नंबर प्लेट तक पूरा पानी आ रखा है। और ये देखिए, ये देखिए गाइस शाम का समय और खूबसूरत नज़ारा। आज तो पूरे पहाड़ भी दिख रहे हैं यहाँ पे और पूरा ग्रीन ग्रीन सा। और अभी पानी जो है बिल्कुल कम नहीं हो रखा है, वैसी है। ये देखिए गाड़ी भी बिल्कुल उड़ गई है और उस पर चिपक चुकी है पानी में तैर के। ये देखिए, सो गए आजकल थोड़ा बिजी हैं तो गांव के वाले ब्लॉग भी जो है अभी एडिट नहीं हो रखे, तो तब तक आप देखिए इस ब्लॉग को। सो गाइज, कैसा लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर मिलते हैं जल्द एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।